रात की क्लास चल रहा था 17/7/1967 दूसरे पीज के मध्य आदि में बात चल रही थी। बाबा बताना चाहते थे कि सन्मुख मुरली सुनने से क्या फायदा है और कागज पे पढ़ने से या कागज की मुरली सुनने से क्या फायदा है, क्योंकि बाप ने तो बता दिया फर्स्ट क्लास है सन्मुख सुनना, सेकंड क्लास है टैप रिकॉर्डर से सुनना, क्योंकि टैप रिकॉर्डर भी एक्यूरेट सुनाता है, जैसा बोला है वैसा ही सुनावेगा, और तीसरा है कागज की मुरली में पढ़ना या कागज की मुरली से सुनना सुनाना, और थर्ड क्लास। क्यों? क्योंकि बताया यहां बैठने से तुम बच्चों को बाप याद आता है। अब जब बाप याद आता है, बाप सामने है, विश्वास पक्का निश्चय बैठा हुआ है, तो बाप का वर्षा भी याद आता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग, बेहद का बाप है ना, तो वर्षा भी बेहद का। लौकिक बाप से तो एक जन्म का वर्षा मिलता है, ये बाप तो अनेक जन्मों का सुख का वर्षा देते हैं, वो भी पक्का सुख का वर्षा जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। और फिर बाप का घर भी याद आता है, तभी बाप कहते हैं समझा करके बच्चे कि शांति धाम को भी याद करो, अर्थात बाप के घर को याद करो, तुम्हारा अपना घर भी है उसे याद करो। फिर धंधे धोरी में भी तो जाएंगे, घर में ही थोड़े ही पड़े रहेंगे, तो सुखधाम को भी याद करो। क्या धंधा धोरी? अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करो, दूसरों को देखो तो भी आत्मिक स्वरूप में देखो, बस यही तुम्हारा धंधा है, स्वर्ग में और कोई धंधा नहीं। और फिर जो अंदरूनी चीज है वो भूल जाओ, क्या? देवन है ना, कोई समझो पुराने मकान में बैठे हैं, ऐसे बहुत है जो बड़े बड़े पुराने मकान में बैठे होते हैं और नया मकान भी बड़ा बनाना चाहते हैं, है ना, किसके पास बहुत नया, किसके पास पुराना मकान पड़ा है, पूरी हवेली है, तो हवेली से भी बड़ा मकान उनको बनाना पड़े, क्योंकि परिवार बढ़ गया ना, तो देखो ये दुनिया में भी मकान बनाने में कितना टाइम लगता है। चलो आजकल मकान बनाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता, लेकिन पैसा इकट्ठा करने में तो टाइम लगता है ना। यहां तो देखो 7-8 वर्ष लग गए, ठीक है ना, तो ये कर्मातीत अवस्था बने तो तुम नए मकान में जावेंगे, और फिर तुम जानते हो तुमको अमरलोक में ही आना है, क्या? इस मृत्युलोक में वापस नहीं आना है। बेहद बाप के घर में गए तो ये दुख धाम आधा कल्प के लिए खलास, मान लो कोई आधा कल्प सुख धाम में नहीं रहता है, कम जन्म लेता है, तो भी दुख धाम में तो नहीं आवेगा, शांति में ही पड़ा रहे, बाद में सुख धाम आ जाए। ये बात तो पक्की है कि इस मृत्यु लोक में तो आना ही नहीं है, यहां तो
मृत्यु का दुख भोगना पड़ता है। मरते समय कैसे कैसे घावड़े आते हैं, मौत से तो सभी डरते हैं। हाँ ये है कि कोई कोई ब्राह्मण बीच में टाइम में छोड़ के चले जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो अगर आएंगे भी तो कोई सदाकाल के लिए थोड़े ही आएंगे, थोड़े टाइम के लिए आएंगे फिर वापस जाने ही। तब तक ये पुरानी छीछी दुनिया, इस दुनिया के मनुष्य चले जाएं और फिर नए मनुष्य यहां खाली जा करके बाकी नए बच्चे, पुराने चले गए, क्योंकि पुराना नए के साथ नहीं रहना है। तो जैसे अभी भी पुराने नए इकट्ठे हैं ना, पीछे आस्ते बदल अदल सदल होती रहेगी, ऐसे करके बाकी जा करके नई दुनिया बनेगी, फिर से नई दुनिया में सभी नए बन जाएंगे, नए बन जाएंगे, आत्मा भी नई तो शरीर भी नया, उसमें सबसे नया कौन बनेगा? कोई तो होगा ना जो सबसे नया बनेगा। क्या कहा उसका नाम, क्या टाइटल क्या दिया? बाबा ने नाम दिया है, नाम दिया है न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा और वो सबसे पुराना और वो सबसे नया पहले पहले बन जाएगा। उनके साथ साथ कौन होंगे? उनके साथ साथ ये तुम भी होंगे। कहां की बात बताई? कौन से धाम की बात बताई? बैकुंठ की बात बताई है। बैकुंठ में विष्णु का राज्य होगा ना, कहते हैं कृष्ण का राज्य होगा, नारायण का राज्य, परंतु संगम युगी कृष्ण की बात है। सत्युग में जो नारायण बनेंगे वो तो बाद में नंबर वार बनेंगे, परंतु यहां पुरुषोत्तम संगम युग में जो पुरुषों में उत्तम बनते हैं वो तो सबसे नया मकान हो गया, नई दुनिया हो गई, और वो सबसे पुराना सो सबसे नया बन गया। क्या बन गया है? ऊंचते ऊंच पदधारी बन गया विष्णु पद। तो देखो चित्र बने हुए हैं ना भक्ति मार्ग में, विष्णु के चित्र बने हैं कि नहीं? तुम भी होंगे, अभी भी तुम्हारे साथ है ना। कौन है जो दुनिया का सबसे पुराना मैन ओल्ड मैन है? वो अभी भी तुम्हारे साथ है ना। तो तुम्हारे बिगर तो क्या चलेगा है? वो अकेला जाना चाहे तो चला जाएगा नहीं? तो ऐसे थोड़े ही है कृष्ण,
तो प्रजा होगी नहीं। बाबा को वैकुंठ में कृष्ण ही याद आता है। अब वैकुंठ में कृष्ण की बात थोड़ा ही है, वो अपन को समझते हैं क्या कि सत्यु के आदि में जो जन्म मिलेगा वो हमारा वैकुंठ में जन्म होगा। जो अंग्रेजों में गाया जाता है पैराडाइज है मिल्ली पैराडाइज, मुसलमानों में गाया जाता है जन्नत, तो क्या मुसलमान और वो क्रिश्चियंस जो अपने धर्म के पक्के होते हैं उनको भी उसकी भनक लग जाती है क्या कि इसी दुनिया में वैकुंठ भी है, इसी दुनिया में वो स्थिति भी है जहां दुख का नाम निशान नहीं है, सारी दुनिया हाहाकार करेगी। उन्होंने तो अपने शास्त्रों में भी लिख दिया कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो क्या वो क्रिश्चियंस और वो मुसलमान जो अपने धर्म के पक्के हैं कभी कन्वर्ट नहीं होते उनको भी पता चलता है जो उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है? हाँ पता तो चलेगा ना, दुनिया तो एक ही है। बाप आकर के नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग के सुख देते हैं, तो उसे स्वर्ग नहीं स्वर्ग से भी ऊंचा, ब्रह्मा कुमारी गीत गाती है ना, स्वर्ग से सुंदर संगम युग है, गीत गाती है लेकिन उन्हें पता नहीं है कौन सा संगम है। वो समझती है हमने महलवानियां अतारियां बना लिए, बस यही संगम युग सबसे ऊंचा है, यही हमारा वैकुंठ है। अभी थोड़े दिन के थोड़े टाइम के बाद आने का पता चलेगा क्या वैकुंठ है और क्या कुंठा है। तो प्रजा भी होगी नहीं, प्रजा जरूर होगी। तो प्रजा होगी ये अदल बदल कैसे होते हैं? सो तो तुम आगे चल करके देखेंगे कि ये अदल बदल कैसे होती है। है जो रावण संप्रदाय वाले हैं वो सब चले जाएंगे। कौन कौन से सिर बताए रावण के? कामी इस्लामी क्रोधी क्रिश्चियंस लोभी मुस्लिम है या नहीं? कोई कहे कि मुसलमान लोभी नहीं? नहीं। क्यों? क्या लोभ करते हैं? बढ़िया बढ़िया माल तो सभी बना बना के खाते हैं, क्या बात हो गई? वो लूटपाट करते हैं, वो हिंसा करते हैं, हिंसा करके दुख दे करके भी वो अपने लोभ की पूर्ति करते हैं। तो ये तो अंधकार में आ गए, ऐसे फिर स्वर्ग में कैसे जा सकते? वैकुंठ की बात तो छोड़ो, बस कानों से सुनेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, रेडियो में सुनेंगे, टेलीविजन में देखेंगे, यहां ऐसी भी दुनिया, लेकिन जाए नहीं सकते। क्यों? बता दिया। क्या बता दिया? क्यों नहीं जा सकते? है बता दिया कि तुम ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर नहीं सकेगा। तो पूछ तो बताया कि रावण संप्रदाय सभी चले जाएंगे और राम संप्रदाय जरी फिर कैसे यहां आ जाती है वो फिर आगे चल करके देखना। अभी ब्रह्मा बाबा के थ्रू नहीं बताएंगे। अब देखना तो सबको है जरूर क्या।
जो चंद्रवंशी है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंशी पक्के पक्के वो भी देखेंगे है, और जो सूर्यवंशी है वो भी देखेंगे। बाकी भाई इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि ये तो धर्म द्वापर युग से आते हैं, ये कोई सत्युग त्रेता स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं, वो कहां से देखेंगे। विनाश होगा फिर यहां भारत में निर्विकारी भी होंगे है? जब विनाश होगा तो भारत में निर्विकारी भी होंगे और विकारी भी होंगे। क्या कहा ये, क्या बोला विनाश होगा तो विकारी और निर्विकारी दोनों क्यों होंगे है? बताओ, बताया कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक है दुर्योधन दुशासन की कैटेगरी की पुरुष लोग, और दूसरे हैं जन्म जन्मांतर जिन्होंने स्त्री चोले धारण किए हैं ज्यादा, वो स्त्री स्वभाव संस्कार की आत्माएं। तो ज्यादा सुख किसने दो भोगा और ज्यादा दुख किसने भोगा? कन्या माताओं ने ज्यादा दुख भोगा है द्वैतवादी द्वापर युग से, जब से ये धर्म पिताएं आए, और पुरुषों ने तो दुर्योधन दुशासन की ही दिखाई दी, चाहे वो भारत के हों चाहे विदेश के हों। तो बाबा बराबर कर देते हैं क्या लो, तुमने जो जन्म जन्मांतर पुरुष का शरीर लेकर के जो दुर्योधन दुशासन गिरी की है, तो तुम रहो इसी दुखी दुनिया में, रावण संप्रदाय की दुनिया में रहो, तुमने बहुत तंग किया है क्या? अब तुम ऐसे ही, तुम्हारी यही सजा है क्या? तो अच्छी सजा है खराब है, क्या है ये? ये पार्शलिटी नहीं है क्यों? इसलिए नहीं है कि इनको अगर सुधरना है तो दुखी दुनिया में ही रह करके इनको सेवा करनी पड़े क्या, उनकी सेवा करनी पड़े जिन विधर्मियों ने इस भारत को स्वर्ग से क्या बना दिया, नरक बना दिया, तो उनकी सेवा करना पड़े, सेवा करके उनको लायक बनाना पड़े, उनको भी सदगति तो गति तो मिलेगी ना। तो जब तक विकारी यहां से चले जाएं और निर्विकारी बाकी चले जाएं, बच जाए निर्विकारी, तो तुम बच्चे जानते हो सभी दुख दूर हो जाते क्या। जब विनाश होगा तो क्या होगा, आधे विकारी और आधे निर्विकारी इस दुनिया में बचे। अरे तो विनाश होने का क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ ना, यहाँ रहकर ही संगम युग में जिन्होंने शैतानियां की हैं, है अपनी जोर जबरदस्ती की है, बोलने से मानते ही नहीं है, कन्या माता बिचारी समझाती रहती है सुनते ही नहीं है, तो फिर उनकी यही सजा है, रहो बेटा इसी नरक की दुनिया में है। ऐसे कोई रसगुल्ला खा रहा हो और साथ में बैठा हो और दूसरे को वही सूखी रोटी मिल रही है खाने के लिए नमक वाली, तो देख देख के ललचाएंगे, हमको मिली होती तो हम भी खाते। अरे बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, दुनिया के गुरु लोग भी कहते हैं, अरे देख पढ़ाई चूपड़ी हिम्मत चल चावे लीब, अपने कर्मों को देखो, ऐसे जो कर्म किए हैं उन कर्मों से पहले निजात पाओ, तो ये असर होता है विनाश होने के बाद भी क्या। विनाश होगा तो ऐसे नहीं है कि एकदम सब अच्छे अच्छे बच जाएंगे, नहीं, आधे विकारी और आधे निर्विकारी।
हाँ टोटल विनाश जब हो जाएगा तब सब चले जाएंगे। तो तुम बच्चे जानते हो कि आखिरी तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विनाश होने के बाद जो रावण संप्रदाय है वो सब चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रावण संप्रदाय भी, राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, सब चले जाएंगे शांति धाम। इस दुनिया में कौन रहेगा है? इस दुनिया में कोई नहीं रहने वाला सिवाय एक के, जो आदि है अनंत है वो ही रहेगा। कोई है दुनिया में? कोई गाया हुआ है भारत में? गाया हुआ है? हाँ है। कहते हैं एक शंकर महादेव है, न जिसका आदि और न उसका अंत, वही है मनुष्य सृष्टि का बाप। वो सबसे पुराना और सबसे नया बनता है। क्या बताया ना कि न्यू मैन बनता है, गोरे ते गोरा बनता है और फिर काले ते काला बनता है। तो ये बातें कोई नहीं जानते हैं। तभी तुम बच्चों को कहते हैं क्या, वाह इनको बच्चे नहीं होंगे क्या लक्ष्मी नारायण को है? अगर वो असली बात जाने कि लक्ष्मी नारायण के कर्म इंद्रियां जो हैं वो हरकतें नहीं करती हैं, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है संगम युग में, कर्म इंद्रियां बस में हो जाती हैं तो ज्ञान इंद्रियों की संतान पैदा होती है। कर्म इंद्रियों की दुनिया में जब से पैदाइश शुरू हुई तब से तो लोगों को कितने कर्म करने पड़ते हैं, कूटने पड़ते हैं है? स्वर्ग में तो कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा, वहां तो सुख ही सुख, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से सुख मिलता है। ज्ञान से सुख और अज्ञान से तो वो तो पूछते रहेंगे अज्ञानी लोग, वहां बच्चे लक्ष्मी नारायण को कैसे पैदा होंगे? अरे ये भोग बल है कर्म इंद्रियों का और योग बल है ज्ञान इंद्रियों का, तो योग बल से बच्चे पैदा होंगे जिससे तुम विश्व को पवित्र बनाती हो। योग बल से सारा विश्व पर पवित्र बनेगा ना, ऐसे नहीं कि मनुष्य आत्माएं ही पवित्र बनेंगी। नहीं, मनुष्य आत्माओं के पवित्र बनने से वायुमंडल इतना पावरफुल हो जाएगा कि जो मनन चिंतन मंथन करने वाले प्राणी नहीं है, जिनको अपनी बुद्धि नहीं होती, मन ही नहीं होता, वो वाइब्रेशन से ही चेंज हो जाएगा। क्या नंबर बार चेंज होंगे तो वो जड़त्व में ये आत्माएं भी चेंज होंगी। चलो ठीक है, वो तो फिर भी चैतन्य। फिर ये जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश है, आकाश आग बरसाएगा, पानी जल में ही लाएगा और घोर मूसलाधार बरसात कई दिन तक होगी, चारों तरफ बोड़म बोड़ होने लगेगा, सब मर पड़ेंगे। तो ऐसे पांच तत्व जो जड़ हैं, वो जड़त्व में तत्वों को कौन पावरफुल बनाएगा? क्योंकि जो एक आत्मा सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट इस दुनिया की, उसी में सभी आत्माओं को याद की स्थिति से लीन, जो कहते हैं संसार में लीन हो जाते हैं आत्मा परमात्मा। लीन होने की बात नहीं है, याद में तल्लीन होने की बात है। तो वो पावर एक को मिल जाती है। क्या? सभी के वाइब्रेशन, सभी के संकल्प विकल्प
एक के संकल्प विकल्प में तिरोहित हो जाते, तो कितनी पावर इकट्ठी हो जाती है एक के पास। तो वो एक सारे तत्वों को तामसी से सात्विक बनाता है। टाइम तो लगता है। तो बताओ, जब तुम सारे विश्व को पवित्र बना सकते हो, जड़ और जंगम दोनों पदार्थों को पवित्र बना सकते हो, तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? है? है? कोई कहते हम ये बात नहीं मानते। चलो वो तो अज्ञानी है, नहीं मानते। यहाँ तो ऐसे ऐसे ज्ञान में चलने वाले हैं जिनसे कहो भाई आंखों का संग का रंग लगता है क्या? आंखों से नजर गड़ा के किसी को देखना भी नहीं चाहिए, उससे भी क्या है, आत्मा पतित बनती है संग का रंग लगने से, क्योंकि आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। तो कहते हैं हम नहीं मानते इस बात को। माना वो इस बात को छोड़ने वाले नहीं, उन्हें कानों से सुनना भी है, उन्हें आंखों से देखना भी है और मुंह से खूब बतियाना भी है, छोड़े ही नहीं, साफ मना कर देते हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसा कोई सैंपल है क्या? है क्या? जो सबसे पहले यज्ञ में आती थी, आते ही इतनी निश्चय बुद्धि, इतनी ज्यादा विश्वास पक्का कि आते ही आते भरी सभा बाबा के गले से लटक जाती थी, इतना प्यार दिखाती थी कि हमें देखो दुनिया की कोई परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी कहती रहे लोकलाज की परवाह ही नहीं, त्याग दिया। जैसे बड़ा ऊंचा पुरुषार्थ है, जैसे मीरा का हो गया भक्ति मार्ग में। मीरा तो जानती नहीं थी, सिर्फ साक्षात्कार किया था कृष्ण भगवान का, लेकिन कृष्ण तो भगवान होता ही नहीं, तो झूठा साक्षात्कार किया और झूठी बात बुद्धि में बैठी, तो कितना फिदा हो गई, सारा परिवार अलग हो गया, दुनिया वाले विरोधी हो गए, लेकिन किसी की परवाह, किसी की परवाह नहीं की। लेकिन भक्ति मार्ग अज्ञान का मार्ग, तो प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। ऐसे थोड़े कि स्वर्ग में चली गई, वैकुंठ के सुख हो गए, नहीं, इसी दुनिया में शरीर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जन्म लिया। तो देखो ये तो ज्ञान मार्ग है, यहाँ तो हर बात का जवाब है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की कोई बात नहीं है। तो तुम्हारा है ज्ञान के आधार पर योग बल, और ज्ञान तो ज्ञानेंद्रियों से ही मिलेगा ना, तो वहां बच्चे पैदा क्यों नहीं हो सकते? है देखो मोर का मिसाल दिया, क्या क्या मिसाल दिया? मोर, मोरनी विकार नहीं भोगते विकारी इंद्रियों से, काम इंद्रियों से, और भोगेंगे भी के उनकी तो पूछ देखो कैसी लंबी है, और कहां से विकार भोगेंगे। बताया कि मोरनी जो है जब वो डांस करता है ना, तो अपने पांव को देख करके रोता है, मेरी चाल कैसी खराब है, तो वो आथत देती है। कोई बात नहीं, तुम हर जन्म में पुरुष थोड़े ही बनोगे, इस लास्ट जन्म में पुरुष बन गए, पांव को क्यों देखते हो? मैं सहयोग दूंगी ना, तुम्हारा पांव सुधर जाएगा। तो उसके आंसू पीती रहती है, क्या उसका दुख पीती है। तो बताया कि वो मोर का मिसाल देते हैं, क्या कि वो विकार से बच्चे पैदा नहीं करता। मोर नहीं पैदा कर सकता तो क्या मनुष्य नहीं पैदा कर सकता? है, कर सकता है। ऐसे ही पपीते का मिसाल, पपीते का मादा वृक्ष मीलों दूर खड़ा हुआ है और बीच में समंदर है, क्या 1-2 किलोमीटर का,
और उस तरफ जंगल में कोई पपीता का दूसरा वृक्ष भी नहीं, और इस तरफ एक नर वृक्ष खड़ा हुआ है पपीता का, तो भी क्या करेगी वो दूर से ही पराग खींच लेगी। तो वाइब्रेशन की इतनी पावर जब जड़ पौधों में हो सकती है, पेड़ में हो सकती है, तो मनुष्य तो खान है वाइब्रेशन की। तो बताया कि जरूर हो सकता है। अरे बाप तो सिखाते हैं कि तुमको संतान पैदा करने के लिए कर्मेंद्रियों की तो बात छोड़ो, ज्ञानेंद्रियों की भी जरूरत नहीं है। क्या वाइब्रेशन से ही तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। जैसे ये लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, चित्र में दिखाया गया है कि वो एक दूसरे को देखते भी नहीं है। क्या देखने की भी दरकार नहीं, बातचीत करना तो दूर, वाइब्रेशन से ही दूर बैठे बैठे सारा लेन देन करते रहते, सारे वाइब्रेशन से पूरा कनेक्शन रहता है। तो वाइब्रेशन की उनकी संतान तो सबसे ऊंची हुई, उसमें इंद्रियों की कोई जरूरत है ही नहीं। इंद्रियों का सुख लेकर के संतान पैदा करें, तेरी नहीं। क्या इंद्रियों का सुख लेकर के संतान पैदा करें, वो भी नहीं। क्या न ज्ञान इंद्रियों का न कर्म इंद्रियों का, कौन सा सुख? बस वाइब्रेशन के सुख से ही संतान पैदा हो जाती है, और वो सबसे ऊंची संतान। क्या अव्वल नंबर नारायण सतयुग के, तो जरूर होना है, क्योंकि वहां तो रावण ही नहीं होगा। रावण का काम ही है आरती है, रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है जो रावण। काहे से रुलाता है? ऐसे ऐसे कर्म करता है कर्म इंद्रियों से कि रोना पड़ता है। तो वो रावण जो है वो रावण ही नहीं होगा, तो पीछे विकार कहां से होंगे? जो विपरीत कार्य करें उसे विकार कहा जाता है। तो ये विपरीत कार्य है क्या? कर्मेंद्रियों से संतान पैदा करना। क्या कर्म क्या है? कर्म श्रेष्ठ कर्म है, ज्ञान इंद्रियों के आधार पर संसार चले तो एकदम स्वर्ग में कोई विकार की बात नहीं। बाबा के खांसने की आवाज आई। आज खांसी आई थी क्या? ये बात है, इसलिए तो ये खांसी किसको हुई पूछा? शरीर को हुई खांसी या आत्मा को हुई खांसी? किसी ने कहा शरीर को हुई खांसी आत्मा के द्वारा, नहीं दूसरे ने कहा आत्मा को हुई खांसी शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा आत्मा को खांसी हुई, यानी शरीर को भी तो हुई ना, तो आत्मा को भी हुई। हाँ ख्याल करो ना बच्ची, ये खांसी आत्मा को हुई या शरीर को हुई? या शरीर द्वारा हुई या शरीर को आत्मा द्वारा हुई? क्या हुआ? किसी ने कहा आत्मा में शरीर द्वारा हुई, आत्मा को शरीर द्वारा हुई तो शरीर को नहीं हुई। अच्छा मैं दूसरे से पूछता हूं, हैं? अरे वो बच्ची देखो हाथ उठाकर खड़ी है। अच्छा बच्ची तुम बताओ। बच्ची ने कहा आत्मा को हुई।
फांसी आत्मा को हुई, शरीर को नहीं हुई। अच्छा तुम बताओ गायत्री, या? तो बहन ने कहा शरीर को हुई, अरे आत्मा को नहीं हुई। बहन ने कहा आत्मा महसूस करती है, बीमारी शरीर को होती है, बीमारी आत्मा महसूस करती है। तो महसूस करती है माना आत्मा को भी हुई ना। ए दीदी, मनमोहिनी दीदी, तुम बताओ। तो किसी ने कहा बीमारी से जो दुख होता है ना, वो दुख महसूस आत्मा करती है, लेकिन बीमारी शरीर को होती है। अरे पर आत्मा को भी तो हुई ना, तभी तो महसूस करती है, माना हुई। तो किसी ने कुछ कहा, किसी को सुनाई नहीं पड़ा। नहीं, अच्छा चंद्रमणि, बच्चों की चंद्रमणि दादी, तुम बताओ, बताओ तुम। तो चंद्रमणि ने कहा शरीर को हुई खांसी। अच्छा शरीर को खांसी हुई, आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ। तो बहन ने कहा उसकी महसूसता उसको हुई। तो महसूसता हुई माना नहीं हुई। तो बहन ने कहा महसूसता हुई माना, माना क्या? अरे अच्छा तुम दीदी क्या समझती हो? वो कहते हैं कि जीवात्मा यानी शरीर को भी हुई, आत्मा को भी हुई। एक बच्ची कहती है कि शरीर को हुई और आत्मा को महसूसता हुई। तो एक कहते हैं कि आत्मा को हुई शरीर के द्वारा। 1767 की वाणी का रात्रि क्लास तीसरा पेज। तो दीदी ने कहा दोनों को हुई, दोनों को हुई यानी जीवात्मा दोनों को हुई, आत्मा को भी हुई। अच्छा हाँ नंद किशोर और आनंद किशोर, तुम्हारा क्या विचार है? क्या भाई ने कहा बाबा मेरे को हुई, मैं हूं आत्मा। अच्छा और शरीर को हुई? भाई ने कहा नहीं हुई। नहीं, अच्छा भाई। तो बहन ने कहा आत्मा को सुख कहां से आया? नहीं, आत्मा को मुख कहां से आया जो खांसी हुई? शरीर के द्वारा आत्मा बोलती है, शरीर के द्वारा खांसी की आवाज निकलती है। दीदी हाथ कैसे उठाऊं अगर आत्मा ना हो? दीदी ने कहा जी ये कौन है बच्चा? अच्छा क्या विचार है? भाई ने कहा आत्मा जो पीछे बैठा है उसको हुई। अरे बच्चे जीव आत्मा दोनों को हुई, दोनों को भी खांसी, दोनों को तकलीफ होती है। तकलीफ शरीर को होती है? नहीं होती। अरे तकलीफ शरीर को भी होती है लेकिन महसूस महसूस आत्मा करती है। आत्मा भी देखो कहती है
मेरे को खांसी है, तो खांसी है तो शरीर है तब तो कहेगी खांसी है। तो शरीर को दुख होता है तो शरीर को ही फिर बरोबर दवा भी दी जाती है। क्या कहा? तो देखो ये बाबा उठाया ना गोली, तो अब ये गोलियां खाएंगे तो गोलियां खाते खाते दोनों दुख से छूट जाएंगे, खांसी के दुख से आत्मा भी छूट जाएगी और शरीर भी दुख से छूट जाएगा। तो क्या छूट गए? गोली खाने से शरीर का खांसी का दुख और आत्मा का खांसी का दुख छूट गया है? छूटा था, कुछ राहत मिली थी। अच्छा, उनका शरीर फिर छूटा नहीं है? एक डेढ़ साल के बाद उनका शरीर नहीं छूटा? छूटा, खांसी से थोड़ा ही छूटा, न दवाई से छूटा। मतलब यह है कि अगर आत्मा का दुख दूर करना है, जन्म मरण बुढ़ापे का दुख दूर करना है, तो शरीर के द्वारा ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या? शरीर की ही दवाई करनी पड़ेगी, आत्मा की दवाई डायरेक्ट नहीं की जा सकती। शरीर को ही गोलियों का संग लेना पड़े तो दादा पाएंगे, दवाई पाएंगे ना, और दुख से छूट जाएंगे। फिर आत्मा नहीं कहेगी कि मेरे को खांसी है। तो ये मिसाल इतना लंबा चौड़ा क्यों दिया है? क्या समझाने के लिए दिया है? यही समझाने के लिए मिसाल दिया कि जो आत्मा का दुख है वो दूर कैसे हो। आत्मा दुखी होती है ना ऐसे नरक की दुनिया में है, कर्म इंद्रियों से भी कर्म करते करते। तो जो दुखी हुई आत्मा है उसको सुखी बनाने के लिए शरीर की भी दवाई करनी पड़े। आत्मा को ज्ञान सुनाना और शरीर को क्या करना? शरीर को तपाना। क्या? कौन सी तपस्या? क्या तपस्या बताई? अरे जैसे वो दुनियावी योगी लोग उल्टे खड़े हो जाते हैं शीर्षासन से, या हाथ पांव उल्टे सीधे करके आसन लगाते हैं, वो करें, उससे आत्मा का दुख दूर हो जाएगा? नहीं, तो शरीर स्वस्थ हो सकता है, बाकी आत्मा को थोड़े पर अंतर पड़ेगा। तो क्या करें? नाक से जो श्वास प्रश्वास खींचते हैं वो प्रैक्टिस करें, श्वास चढ़ाएं, रोक लें, फिर बहुत देर बाद जितनी प्रैक्टिस कर पाए उतनी छोड़ दें, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा? नहीं। तो क्या करें शरीर से? शरीर के द्वारा जो कर्म इंद्रियों से कर्म किए हैं वो दुखदायी कर्म किए हैं, तो अभी क्या करना है? है कर्म इंद्रियों को बस में करना है। तो ये है दवाई, ये है तपस्या। तपस्या माने वो कोई शरीर की तपस्या नहीं, ये है आत्मा की तपस्या। क्या तपस्या? अपन को देह मत समझो, देह को भूल जाओ, ये आत्मा समझो, ज्योति बिंदु आत्मा।
तो ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे तो सुख ले पाएंगे कर्मेंद्रियों का, नहीं ले पाए तो ये तपस्या हो गई, आत्मा को तपाया जा रहा है। वो तो सुधारने के लिए जेल में डाल देते हैं, शरीर को जेल में डाल देते हैं। बाबा कहते ऐसे यहां जेल में डालने की कोई बात नहीं है, क्या ये आत्मा को एकाग्र करो, कहां भ्रकुटी के मध्य में, माना अपने घर में कैद कर दो। आत्मा को कहां कैद कर दो, नजर बंद कर देते हैं ना घर में, बाहर नहीं निकलने देते, कहीं आने जाने नहीं देते, ओ कुछ रसद खाना पानी अंदर आने नहीं लेंगे, नहीं देंगे, तो फिर वो तकलीफ होगी ना। जैसे कोई किले में रहती है सेना किसी राजा की, चारों तरफ से किसी दूसरे राजा ने किले को घेर लिया और महीने तो हर महीनों घेरे रहा, घेरा डाल करके, न कुछ रसद आने देता है न जाने देता है, तो सब क्या करेंगे, भूख मरेंगे ना। तो ऐसे ही आत्मा को जो आदत पड़ी हुई है कर्म इंद्रियों के द्वारा सुख भोगने की, बाहर का सुख भोगती है ना कर्म इंद्रियों से, तो वो रसद बंद कर दी, क्या अपने ही घर में बंद कर दिया, रसद बंद, अपने किले में बंद हो जाओ। ये भी भ्रकुटी एक किला हो गया ना आत्मा का। तो ये बेहद का पुरुषार्थ करो, और ये कोई दूसरा ना करे, अपने आप ही अपना जेल में डालने का दंड दो। क्या कहां जेल में है, जो बिंदु रूप आत्मा है उसको भ्रकुटी के मध्य में कैद कर दो, भागने ना पाए इधर उधर, क्या नहीं तो आत्मा संकल्पों से भी भाग जाती है। अगर इधर उधर भागते रहे संकल्पों से तो कोई फायदा नहीं, फिर उसको योगी नहीं कहेंगे। अगर मन से भी आत्मा इधर उधर भागती है तो भोगी कहेंगे या योगी कहेंगे, है भोगी, तो भोगी है तो पाप कर्म बनेगा कि नहीं, वाइब्रेशन खराब करेगा या अच्छा बनाएगा, खराब वाइब्रेशन बनाएगा तो दूसरों को भी तकलीफ होगी। तो ये बताया कि जब तक दवाई नहीं करेंगे तब तक बीमारी से नहीं छूटेंगे, वो है दुनियावी दवाई और ये है बेहद की दवाई, बेहद के बाप वैद्य के द्वारा, वैद्यनाथ है ना, उनकी यादगार भी है ना वैद्यनाथ, वैद्यनाथ धाम, तो दुखों से छूट जाएंगे। तो दबा पाएंगे तो आत्मा भी दुख से छूट जाएगी और शरीर भी छूट जाएगा, फिर आत्मा कहेगी नहीं कि मेरे को खांसी है। तो ऐसे सिद्ध होता है कि जीव आत्मा दोनों को होती है खांसी, एक को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है कि शरीर को खांसी हुई है और दूसरे को देखने में नहीं आता है कि आत्मा को कैसे हुई, क्योंकि आत्मा ही नहीं देखने में आती है, आत्मा निराकार शरीर साकार, लेकिन कनेक्शन तो है ना, क्योंकि फिर जीवात्मा को ही सुख होता है, क्या कहा, और जीवात्मा को ही दुख होता है, सुख होता है वहां स्वर्ग में और जीवात्मा को दुख होता है यहां नरक में, क्या इसका नाम नरक दे दिया उसका नाम स्वर्ग क्यों दे दिया, क्योंकि वहां स्व माने आत्मा, ग माने गई, आत्मा ने स्व स्थिति में जाने की प्रैक्टिस की तो स्वर्ग में गई, और नरक क्यों कहा गया कि नर माने मनुष्य, मनुष्य ने जो रास्ते बताए जो काम किए उस रास्ते पर दुनिया चल पड़ी तो फिर वो नरक बन गया,
क्या? तो इस दुनिया में वो आत्मा जब तक ना आए जिसको अपना शरीर है ही नहीं, सिर्फ आत्मा, वो ही आकर के सिखाती है, ज्ञान देती है कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु कैसे दुख से छूटो। तो कैसे छूटो? ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे बिंदु को याद करो तो दुख से छूट जाओगे। बिंदु को याद करो लेकिन साकार में निराकार को याद करो। क्या ऐसे नहीं कि आत्मा अलग कर दो और जीव आत्मा अलग कर दो? नहीं, शरीर भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। समझा ना बच्चे? क्या है अलग का तो कोई प्रश्न नहीं है ना। अलग है तो आत्मा वही है, तो शरीर नहीं है तो क्या करना है? अपने को शरीर से डिटैच करके रखो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शरीर से अटैचमेंट ना, अपने शरीर से अटैचमेंट ना दूसरे के शरीर से अटैचमेंट, तो ये दोनों इकट्ठे हैं। कौन कौन? दोनों, आत्मा और शरीर, दोनों इकट्ठे सुख भोगते हैं और दोनों इकट्ठे होकर के दुख भोगते हैं। चाहे स्वर्ग की दुनिया हो, आत्मा और शरीर दोनों इकट्ठे होंगे तो सुख होंगे, लेकिन कैसे भोगेंगे? बस आत्मा आत्मा की याद में रहे। क्या? चाहे अपने शरीर में बैठी है तो भी अपने शरीर में भृगुटी के मध्य में आत्मा याद रहे, और दूसरे के शरीर में भी आत्मा है लेकिन उस तरफ भी बुद्धि योग बार बार न जाए, लागत न जाए, आसक्ति न जाए, लगाव न जाए। तो अगर लगाव गया तो फिर दुख होगी। तो शरीर और आत्मा दोनों हो तब ही सुख और दुख भोगा जा सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो जीव और आत्मा दोनों दुख भी भोगते हैं, फिर यही जीव आत्मा सुख भोगते हैं। तो देखो, तुम्हारे से प्रश्न पूछते पूछते ये खांसी भाग गई। क्या? क्यों भाग गई? खांसी ने समझा हमारे ऊपर हमला होने ने तरकीब तो मिल गई है, खांसी भाग गई। कहां कहां थोड़ा थोड़ा मुझती हो ना, ये खांसी क्यों भाग गई? बाकी ये तो सहज बात है ना बच्ची। जैसे आत्मा तमो प्रधान होती है वैसे शरीर भी तमो प्रधान बनता है। क्या? ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा तमो प्रधान बनती है या सिर्फ शरीर तमो प्रधान बनता है। बनता है ना। कलयुग में देखो कैसे शरीर दुखी रोगी परेशान हो जाते हैं, है? हो जाते हैं नहीं है? कितने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, कितनी दवाइयां बनती जा रही हैं, कितने डॉक्टर पैदा हो गए, तो भी क्या हो रहा है? दुख बढ़ रहा है ना तमो प्रधान होने से, है? शरीर बीमार होते जा रहे हैं, आत्मा चिल्लपों करती रहती है। तो दोनों हो गए ना बच्चे, शरीर भी और आत्मा। अभी बच्चों से अभी छुट्टी लेते हैं बाप, या ये क्या कह दिया? छुट्टी लेते हैं है क्या है? तो ये बच्चों के साथ चिट चैट हुई, संगम हुआ, पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं और विद्य को पाते रहेंगे, बल छुट्टी लेते हैं तो भी। ऐसे हो सकता है कि बाबा छुट्टी लेके बैठ जाए और फिर वृद्धि होती रहे? हो रही है क्या? बेसिक में भी होती रही और एडवांस में भी। मीठी मीठी स्वीट चिल्ड्रन प्रति रुआनी एक ही स्वीट बाबा है ना बच्चे, हैं?
सीट बाबा एक है या दो चार हैं? और इतने बड़े बड़े गुरु गुसाई इस दुनिया में बाबा हुए, वो सीट नहीं है? क्यों, मारपिटाई करते थे क्या, चिल्लपों करते थे, मारते थे, चिल्लाते थे क्या? है, वो भी तो प्यार करते हैं ना, फिर सूट नहीं थे? नहीं, वो देखने में भले बाहर से सीट हो लेकिन ज्ञान वो ही देते हैं। आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम ब्रह्मास्मि, हम ही है सब कुछ। और अंदर से जानते हैं हम बहुत दुखी होते हैं। अब परमात्मा दुखी भी होता है क्या? है ना बच्चे? तो ये भी तो कहेंगे स्वीट बाबा ना, है कहेंगे ये माने कौन है, कौन ये भी कहेंगे स्वीट बाबा? अरे ब्रह्मा बाबा तो कहते थे स्वीट बाबा, किसको कहते थे? बिंदी को, बिंदी बाबा हो गई, उनको समझाने वाला कोई नहीं था, है? ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा कैसे कहेंगे स्वीट बाबा? है शिव बाप आत्माओं का बाप है या बाबा है? शिव ज्योति बिंदु तो आत्माओं का बाप है, बाबा तो है ही नहीं, तो किसको कहेंगे? इसलिए गे लगा दिया क्या, क्या लगा दिया? कहेंगे माने अभी नहीं, अभी भविष्य में ऐसा टाइम आएगा कि ये आत्मा भी बाबा को बाबा कहेगी, शिव बाप नहीं, समझ भी जाएगी कि हाँ शिव निराकार ज्योति बिंदु कोई साकार में प्रवेश करके बाबा कहा जाता है। और स्वीट बाबा, इससे ज्यादा स्वीट और कोई नहीं। क्यों, ब्रह्मा बाबा स्वीट नहीं थे? हैं, बाहर का दिखावा ज्यादा था, अंदर से स्वीट नहीं था। वो क्या, वो कौन आया था? सावरकर बाबा के सामने आया था, उसकी बड़ी लल्लो चप्पो की, अच्छे से बात की। जब वो चला गया, ये थोड़ा ही स्वर्ग में आएगा, लो अरे तुम्हें क्या साक्षात्कार हो गया? क्यों इसे कह दिया उस आत्मा के लिए, जबकि हर आत्मा जीवन मुक्ति पाती है? तो ये दो आत्मा है ना, बाप की भी है जिसे कहते हैं परम पिता की आत्मा, और इनकी भी है। किनकी? इनकी माने ब्रह्मा की, ये इनकी कहेंगे, इनकी तो बहुवचन हो गया। सीट बच्चों प्रति बाप दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट रूहानी बच्चों के प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते ओम शांति।